इस समय हम मौजूद हैं राज नीलम रेस्टोरेंट और हमारे राजेंद्र भाई और उनके सहयोगी राजेंद्र भाई जो अभी विदेश में भी अपना परचम लहरा चुके हैं अपने कुकिंग में अपने खान पान से। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर हम अपने गांव में स्वरोजगार देके कुछ युवाओं को स्वरोजगार दें और अपने गांव में ही अगर रोजगार खोलें तो उत्तरकाशी जाते हुए सुबह खोली से आगे देहरादून से उत्तरकाशी जाते हुए सुबह खोली के आगे मरोड़ गांव में मराड़ में आपका राज नीलम रेस्टोरेंट जो शुद्ध पहाड़ी रेस्टोरेंट जिसको बोल सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप अगर आए तो आप हुक्के का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप देखिए घरिया लोन सिलबट्टा आपका रखा हुआ है और उसी से इन्होंने घरिया लोन बनाया है। आपको यहाँ भड्डू की दाल भड्डू का मीट 100-150 साल अब आप देखिए 100-150 साल पुरानी इनके दादा परदादाओं के समय की चीजें इन्होंने बड़ी सजो के रखी हुई है। और आप चिलम हुक्का यहाँ पर जो है इन सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं। और राजेंद्र जी हमें दिखा रहे हैं सामने भी आप देखिए इनके तांबे के बर्तन हल इन्होंने लगाए हुए हैं सिंबॉलिक। और जो माहौल दिया हुआ है पूरा पहाड़ी परिवेश का माहौल दिया हुआ है। और आप देखिए आपका मथनी जो है मट्ठा वाली जो है हमारी जिसमें से घी निकलता था गांव में वो भी इन्होंने यहाँ सिंबॉलिक लगाया हुआ है। डमरू हमारे भगवान शंकर का डमरू पहले ये गाँव में होता था घरों में। और गागर आप देखिए गागर से पानी हम लोग तो लाए हैं गाँव में। खैर और दीपक जी आप तो खैर बहुत भूखा है आपने पानी क्योंकि रोड तो अब गई है आपके यहाँ। और आप देखिए बहुत क्यूट है ये बैलों की रस्सी। और आप देखिए राजेंद्र भाई ने किस तरीके से राज नीलम रेस्टोरेंट। और अगर आप इसके आउटसाइड में जो बालकनी इन्होंने बनाई हुई है जहाँ पर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है यहाँ पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे भाई लोग भोजन का आनंद लेते हुए। और अभी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए छोटा ट्रैक्टर ये लिया है जो हमारे कृषि विभाग द्वारा मिलता है। तो चूंकि ये पहाड़ में आके बसे हैं पूरी विदेशों में अपनी सेवा देने के बाद राजेंद्र जी आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं यहाँ पर ये काम शुरू करूं जबकि आपको एक अच्छी तनख्वाह मिल रही थी आपका बढ़िया चल रहा था और विदेश जाने के लिए लोग तरसते थे आप वापस क्यों आए? सर ये था कि गढ़वाल से प्यार था अपनी जन्मभूमि से बहुत पहले से लगाव था ना। मैंने कहा जब मैं 35 का हो जाऊंगा उसके बाद अपने ही गाँव जाऊंगा और गढ़वाल की से मतलब खाने में काम करूंगा क्योंकि मेरा फूड का मैनेजमेंट खाने से ही है मेरा सारा रिलेटिव फूड लाइन का ही है। तो यही था दिमाग है कि कुछ ना कुछ अपने तरीके से करूंगा अपना करूंगा मतलब गढ़वाली तरीके से जो हमारा खाने की हमारे खाने में वैरायटी बहुत है और शुद्ध जैविक खाना है स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना है। गढ़वाली खाने में कोई ऐसा नहीं है जंक फूड नहीं है स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छा खाना है। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है थायराइड वालों के लिए अच्छा है जो भी चाहे रोटी ले लो आप गोदे की रोटी ले लो या झंगोरा ले लो या। और दोस्तों हमारा जो मैंने बताया आपको भड्डू का मीट जो है बन चुका है और आप देखिए किस तरीके से बढ़िया बढ़िया पीसेस थोड़ा पास से दिखा चलती जी कितना शानदार तरीके से इसकी ग्रेवी आई है और ये नेचुरल तरीके से इसको कहीं फ्राई करके नहीं बनाया गया है। ये देखिए भड्डू में एक एक पीस इसका बिल्कुल साफ है। और मैं दीपक जी तो शायद खाना शुरू कर दे कैसा लग रहा है आपको? और देखिए और अब मैं ये आपको दिखाता हूँ ये देखिए आप इसकी ग्रेवी को टेस्ट करते हैं। आहा अल्टीमेट यम्मी। तो दोस्तों आप जब भी उत्तरकाशी देहरादून के रूट में जाते हैं तो मरोड़ गांव जो मोरियाना से पहले मराड़ गांव पड़ता है यहाँ पर आकर के भड्डू की दाल भड्डू का मीट झंगोरा बनवे की रोटी इन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। आप एक बार राज नीलम रेस्टोरेंट में आकर के इस खाने का पहाड़ी खाने का आनंद जरूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।